हेलो क्रिप्टो बॉयज, वेलकम टू लेट्स क्रिप्टो। देखो वाला सिंपल, देखो फिर से, देखो कुछ यहाँ पर 4 से 6 न्यू लूट्स लेकर आ चुका हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले फिर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी कुछ न्यू लूट्स आएगा आपका इंस्टेंटली नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये हमारा सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू इकोसिस्टम का वीडियो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा और पूरा कवर में डिटेल्स के साथ आपको डालता रहे। एक दिन पहले डाटलिस्ट एक वीडियो दिया गया था, उसको देख लेना। दो प्रोजेक्ट बताता हूँ, दोनों का दोनों खतरनाक प्रोजेक्ट। देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल इसीलिए ज्वाइन करने बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिमिटेड टाइम्स लूट होते हैं जो कि मैं यूट्यूब में दे नहीं सकता, वो ओवर हो जाते हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल में ही डालता रहता हूँ। और बात रही सुई की, देख सकते हो भाई 1.5 लाख रुपये, $2,000 ओके, $2,000 पर यूजर को प्रॉफिट हुआ है। $2,000 या 1.5 लाख रुपए समझ लो पर यूजर को। देख सकते हो भाई छाप के रखे हैं सबके सब, ओके सब ने। देखो भाई यहाँ पर देखो कितने भाई 1.5 लाख देखो पर अकाउंट में प्रॉफिट हुए। और जिसने देखो यहाँ पर 10 अकाउंट से लूटा था उसका पूछो ही मत, 1.5 लाख को 10 गुना कर लेना। बाकी आप समझ लेना, बाकी मैं क्या ही बताऊँ, अब प्रूफ की बात बोलो, प्रूफ ऐसे ही चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इतने सारे यूजर्स ने यहाँ पर देखो यहाँ पर लूटे हुए हैं, ओके एकदम खतरनाक वाला लूट हुआ। और सब ने देखो यहाँ पर देखो ये तो बस मैं 3-4% आप समझ लो कि प्रूफ है, ओके सब ने 1.5 लाख रुपये करके लूटे और खतरनाक प्रॉफिट हो चुका है, ओके। इसीलिए बोलता हूँ कि जो भी लूट दे रहा हूँ उसको सीरियसली लिया करो, नहीं तो बाद में फंसाना पड़ सकता है। और हमारा एक एयर ड्रॉप चैनल भी है सेकंड का, जो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप होते हैं जो कि हमें वेरीफाई लगते हैं, वो हम एयर ड्रॉप यहाँ पर सेकंड चैनल में प्रोवाइड कर देते हैं। सारे के सारे वेरीफाइड एयर ड्रॉप हम सेकंड चैनल में प्रोवाइड करते रहते हैं, ओके। फर्स्ट चैनल में क्या होता है ना, वीडियो में जो लूट देते हैं उसका अपडेट्स और कुछ टोटली यूनिक लूट्स होते हैं वो आपको फर्स्ट चैनल में मिल जाएगा, और सेकंड चैनल में सारा का सारा एयर ड्रॉप आपको मिल जाएगा, ओके। तो दोनों चैनल को ज्वाइन कर देना, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हो मुझे आप। फर्स्ट प्रोजेक्ट देखो, मैंने टोटली यूनिक लूट था जो कि मैंने अपने मेन चैनल में डाल दिया था, वो था देखो यहाँ पर DX25 लैब स्टेशन नेट की तरफ से। देखो फर्स्ट 10,000 यूजर को यहाँ पर क्या होगा ना, $5-5 करके प्रॉफिट होने वाला। तो अभी कैसे क्या करेंगे मुझे पता है, देखो मैक्सिमम यूजर ने किया नहीं होगा, तो कैसे क्या करेंगे वो मैं आपको टोटली अभी आपको बताने वाला हूँ। और अभी भी 10,000 पार्टिसिपेट हुए नहीं है, ओके। तो चलो बताते हैं क्या सीन है। पहले तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो मल्टीवर्स ट्रस्ट एक्ट जो यहाँ पर एक्सटेंशन, ये वाला एक्सटेंशन, इसको पहले तो भाई इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो इसको भाई लिंक कॉपी करो, कॉपी करने बाद आपको चले आना है यहाँ पर जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, लाइक मैंने माइसेस ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं इंपोर्ट ऐसे कुछ हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने बाद आप दो मल्टीवर्स XD5 वॉलेट आपको दिख रहा है, अगर बस अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करना, अगर अकाउंट फड़े हैं तो भाई यहाँ पर इंपोर्ट करना, ओके। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू वॉलेट में क्लिक करके आपको सारा का सारा फ्रेज दिख जाएगा, ये फ्रेज को कहीं पर सेव करके रख लेना। सेव करके रखने के बाद देन यहाँ पर देखो उसके बाद का स्टेप्स में देखो आपको क्या पूछ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यू वाले ऑप्शन में जो आपने फ्रेज भी सेव किया उसके वार्ड नंबर 7 में क्या था, वार्ड नंबर 22 में क्या था, वार्ड नंबर 5th में क्या था, डाल के कंटिन्यू करना। देन आपका वॉलेट देखो आपका क्रिएट हो, मैंने अपना जो वार्ड था वो वार्ड मैंने डाल दिया, उसका कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने बाद आपका पासवर्ड जो है उसको सेट कर, देख सकते हो वॉलेट अभी क्रिएट हो गया। अभी डन वाले ऑप्शन में क्लिक कर, अभी ऐसा कुछ आ चुका है, अभी तो आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। डिपॉजिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना, एड्रेस को कर लेना। बट उससे पहले और एक काम करना है, सेटिंग में ऑप्शन चले लेना, नेटवर्क वाले ऑप्शन में चले लेना, और यहाँ पर इसको टेस्टनेट करना। टेस्टनेट करने बाद जो एड्रेस होगा वो एड्रेस को करना कॉपी, ओके। तो मैं होम में चला जाता हूँ, डिपॉजिट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, एड्रेस को कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी चलाना पोस्ट में, यहाँ पर तो आपको फॉसेट दिख रहा है, तो फॉसेट वाले ऑप्शन में क्लिक करके फॉसेट को तो ओपन, फॉसेट ओपन होने बाद ऐसे कुछ सीन दिखेगा आपको, दिखाएगा यहाँ पर देखो डी फाइव वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे डी5 वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे आपको देखो यहाँ पर क्या होगा ना, जो आपने जो नहीं तो उसके नीचे आपको देखो यहाँ पर कुछ दिख रहे कनेक्ट वाला ऑप्शन डायरेक्ट, तो यहाँ पर ऐसे शो नहीं हो रहा। तो मैं एक और एक ट्रिक काम लगाता हूँ, देखो डेस्कटॉप साइड करके देखता हूँ क्या होता है। तो देखो इसमें भी दिक्कत आ रहा है, तो इसका एक खतरनाक ट्रिक मैं आपको भी बताता हूँ। अभी चले जाना प्ले स्टोर में, ओके प्ले स्टोर में मैं लिंक नहीं दिया हूँ यहाँ पर, बस आपको सर्च करना, प्ले स्टोर में आना और मल्टीवर्स एक सर्च करना। जैसे मल्टीवर्स एक सर्च करोगे आपको एक एप्लीकेशन दिख जाएंगे एक्सपोर्टल के नाम से, ओके। उस एप्लीकेशन का आप इंस्टॉल कराना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल होकर पड़े हैं। तो आपने अभी जो एक्सपोर्टल एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए, आपने आपको अभी जो फ्रेज मिला था एक्सटेंशन में उसी फ्रेज को डालकर यहाँ पर एक्सपोर्टल में क्या करना ना, इंपोर्ट कर देना, उसी वाला अकाउंट को एक्सपोर्टल में इंपोर्ट कर देना। दोनों जगह में एक्सटेंशन में है और आपका मोबाइल में भी पड़ा है, क्योंकि देखो मोबाइल का काम कर रहा है फॉसेट बट यहाँ पर एक्सटेंशन का काम नहीं। देन अभी फॉसेट का लिंक ओपन करो और डायरेक्टली एक्सपोर्टल ऐप से आप लिंक कर लो, ओके। तो यहाँ पर ओपन करना, ओपन करने बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि देखो स्कैन दो क्यू आर कोड यूजिंग द एक्सपोर्टल ऐप, एक्सपोर्टल ऐप के थ्रू क्या करो ना भाई स्कैन कर लो, स्कैन करके यहाँ पर देखो क्या करो लिंक कर लो, ओके। तो मैं कर ले दोनों में से कोई सा भी यूज ट्रिक करके आपने भाई फॉसेट ले लिए। फॉसेट लेने के बाद अभी क्या करना था ना, फिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक कर वाले उसमें क्लिक करना और फॉर्म को ओपन करना। बाकी फॉर्म ओपन करके बाद यहाँ पर तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, फिलअप आपका फास्ट एंड लास्ट नेम आपका डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और आपको मल्टीवर्स एक्स का वॉलेट एड्रेस डालना पड़ेगा। व्हेयर डिड यू हियर अबाउट DX25 टफ ट्विटर डाल देना, प्लीज़ कन्फर्म दैट यू विल नॉट एंगेज इन एनी स्पैमरी, यस का लेना यहाँ पर। और यहाँ पर
प्लीज़ नोट दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इज सबमिट मस्ट बी केयरफुली एंड ओके। तो यहाँ पर येस आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर येस डाल देना, ओके जो जो डाला डाल देना। बाकी आपको बस एक दिक्कत आएगा कि मल्टीवर्स एक्स वाले एड्रेस आपको कहाँ से डालना है। यहाँ पर अगर बस आपको डिपॉजिट बैलेंस में क्लिक करना है, एड्रेस को कॉपी कर और यहाँ पर डाल देना, ओके दैट्स इट फॉर्म का काम। उसके बाद आपको जेली डैश करना पड़ेगा, तो जेली को ऊपर फिर तो आपको करना क्या है ना, प्रोफाइल वैल्यूज में क्लिक करना, अकाउंट सेटिंग में जाना और आपको जो एड्रेस आपने अभी फॉर्म में सबमिट किए उसी एड्रेस को आपको क्या करना है ना, यहाँ पर एलोन एड्रेस के जगह में यहाँ पर सबमिट करके नीचे में एक सेव वाला ऑप्शन है, वहाँ पर सेव वाला ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर लेना। उसके बाद अभी थ्री लाइन में क्लिक करना, थ्री लाइन में क्लिक करना तो आपको क्वेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्वेस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करो, आपको ऐसे कुछ दिखाएगा। फिर तो भाई न्यूज़ टेलर सब्सक्राइब कर लेना, ट्विटर को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर ट्विटर कॉन्टेस्ट एक ज्वाइन कर लेना, बस रिट्वीट करना है, दैट्स इट। पाँचों का पाँचों टास्क कर लेना, कंप्लीट हो गया यहाँ पर जेली का टास्क। उसके बाद अभी हमें तो बस टेस्ट नेट का टास्क करना है, टेस्ट नेट का टास्क ईजी है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। टेस्ट ईयर का लिंक जो लिखा गया है उसको कॉपी, ऐसे कुछ ओपन हो रहा है, ऐसे ओपन होने बस आपको कनेक्ट वॉलेट के ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, तो कनेक्ट वॉलेट वाला उसमें क्लिक करना और यहाँ पर कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट किसके साथ करना ना भाई, आपका जो मल्टीवर्स एक्स डीफाई वॉलेट जो एक्सटेंशन है उसके साथ आप कनेक्ट कर लेना, ओके। नहीं तो अगर आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों का दोनों ट्रिक बता दिया। अगर यहाँ पर एक्सटेंशन काम ना करे तो उस समय आप क्या कर सकते हो ना, मोबाइल का भी लिंक कर सकते हो, ओके। तो बाकी मैं एक्सटेंशन के साथ कर ले, यहाँ पर भी देखो एक्सटेंशन में इशू आ रहा है, तो सबसे अच्छा ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन में कर लेना, जो मैंने आपको बताया प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, ओके। तो कनेक्ट वॉलेट करने के बाद ईजी टेस्ट बस स्वाप करना है और लिक्विडिटी ऐड करना है, रिमूव करना है और रैप और नैप ट्राई करना। कनेक्ट करने बाद आपको देखो यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर EGLD टोकन मिला होगा, ओके। EGLD तो नहीं होगा, आपको मिला होगा WEGLD, ओके रैप्ड EGLD आपको टोकन मिला होगा फोसेट से। उसी EGLD को कुछ यहाँ पर अलग टोकन में फिर तो कुछ स्वाप कराना, नीचे में कुछ टोकन सिलेक्ट कराना, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। कोई सा भी आपको जो भी अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जितने भी आपको EGLD टोकन फोसेट से मिले हैं उसका तो 10% यहाँ पर स्वाप मार लेना, ओके। तो स्वाप का फीचर हो गया, स्वाप फीचर के बाद आपको पूल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और ऐड न्यू पोजीशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। ऐड न्यू पोजीशन वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपने अभी जिस टोकन में स्वाप किया है उसी दो टोकन को सिलेक्ट करना है। पहला तो एक टोकन होगा रैप्ड EGLD जो कि हमें फोसेट से मिला था, और दूसरा टोकन वो होगा जिसमें आपने अभी स्वाप किया था। दोनों टोकन सिलेक्ट कर लिए, दोनों टोकन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तो प्राइस आपको डाल देना है जितने भी कुछ आप डालना चाहते हो, ओके। तो यहाँ पर नीचे आना, नीचे आने के बाद आप डाल देना जो भी प्राइस आप डालना चाहते हो, नहीं तो उसके नीचे सबसे अच्छा यहाँ पर चले हो जितने भी आपका, देखो यहाँ पर जिस भी टोकन में आपने स्वाप किया था वो आपके पास जितने पड़े हैं वो यहाँ पर डाल दो, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर देखो ऐड लिक्विडिटी कर देना, लिक्विडिटी ऐड करने बाद कुछ लिक्विडिटी रिमूव भी कर देना। अभी रैपल ऑप्शन में जाओ, रैपल ऑप्शन में आने के बाद उसी तरह यहाँ पर कुछ XEGLD कुछ WEGLD डाल के बस देखो रैप कर लेना, ओके सबसे अच्छा। बाकी आपको XEGLD कहाँ पर मिलेगा पूछोगे, भाई सीधी बात है, यहाँ पर स्वाप वाले ऑप्शन में जाओ, WEGLD होगा, नीचे में जाओ यहाँ पर देखो उस XEGLD में आपको बस देखो यहाँ पर स्वाप मार लेना है, ओके। बाकी दैट्स इट, सारा का सारा बता दिया, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ लेना। बाकी अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, प्रोसेस में जाकर और डिटेल्स में जाकर आप और चेक कर सकते हो। बाकी एक बात कुछ लोगों पूछेंगे कि भाई प्रोजेक्ट किस लिए दिया, प्रोजेक्ट में देखो इतने कम फॉलोअर्स हैं, भाई प्रोजेक्ट इसीलिए दिया क्योंकि प्रोजेक्ट को भाई डायरेक्टली देखो यहाँ पर मल्टीवर्स एक्स के फाउंडर ने फॉलो किया है, लुसियन ने देखो डायरेक्टली फॉलो करके रखा है, देख सकते हो लिखा भी है डायरेक्टली को फाउंडर मल्टीवर्स एक्स का ये को फाउंडर है, उसने डायरेक्टली फॉलो करके रखा है यहाँ पर इस वाले प्रोजेक्ट, तो इसीलिए मैंने ये वाला DX25 वाला प्रोजेक्ट दिया हूँ, ओके कन्फर्म हो गया। अभी चलते हैं भाई एक नंबर का डबल आई लूट के। उसी तरह देखो और एक तगड़ा प्रोजेक्ट मैंने बोला, देखो सेकंड साल लीनिया वॉइस डिजिटल दिया था, ये भी एक खतरनाक प्रोजेक्ट है, बोल रहे खतरनाक प्रोजेक्ट है, ओके। इससे भी आपको 101% कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होने ही वाला है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ओके। टास्क मैंने ऑलरेडी पोस्ट के साथ लिख दिया हूँ, चलो मुझे पता है कुछ भी फिर भी कुछ यूजर्स को आपको पता नहीं लग रहा है, तो चलो मैं यहाँ पर सोचा कि चलो इसका ट्यूटोरियल दे देता हूँ क्या कुछ करना है आपको। प्रोजेक्ट तो पहले भाई देखो डायरेक्टली गैलेक्सी ने देखो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया प्रोजेक्ट को, ओके डायरेक्टली गैलेक्सी ने देख सकते हो, और यहाँ पर देखो कंसेंसस के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो लीनिया प्रोजेक्ट के बारे में देखो यहाँ पर सीधा लिखा गया, थ्रिल टू अनाउंस कॉन्सेंसस जैके विज नाउ लीनिया एंड इनोवेटिव लेयर टू सॉल्यूशन फॉर इथेरियम, ओके। तो सीधी सीधी बात देखो यहाँ पर डायरेक्टली अनाउंसमेंट किया है, ओके। तो भाई प्रोजेक्ट एकदम तगड़ा है, मिस मत कर देना, 101% आपको प्रॉफिट है, 101% बोल। पहले तो स्वाप करने के लिए फिलहाल को भी फोसेट टेस्टनेट का टोकन चाहिए, टेस्टनेट का टोकन कैसे काम मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ, ये वाला लिंक दूंगा फोसेट का लिंक। आपको पहले तो कनेक्ट वॉलेट वाले में क्लिक करना है और यहाँ पर देखो मेटामास्क के साथ आपको डायरेक्टली देखो यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो मेटामास्क में क्लिक करो, जैसे मेटामास्क में क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट करेगा और मेटामास्क के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट। यहाँ पर देखो ऑन सपोर्टेड नेटवर्क दिख रहा है कि बोल रहा है कि प्लीज़ सही नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट करो। उससे पहले हमें करना क्या ना, आई एम ए ह्यूमन यहाँ पर कैप्चा सॉल्व ये बोल रहा है कि किसी भी एक टेस्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करोगे। बाकी मैं करता हूँ, मेटामास्क में जाता हूँ, मेरा मेननेट यहाँ पर कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ कि लीनिया वाला मैंने आपको करवाया था, ओके। तो मैं लीनिया नेटवर्क के साथ पहले कनेक्ट, ओके ये रहा मेरा लीनिया नेटवर्क के साथ मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया,
ओके अगर आपने लीनियर नेटवर्क आपका एडेड नहीं है तो आप करोगे क्या, तो आपको बस आपको यहाँ पर सर्च करना है chainlist.org सर्च करने के बाद आपको जो भी नेटवर्क ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कनेक्ट वॉलेट कर लिए, इंक्लूड टेस्टनेट कर लेना। इंक्लूड टेस्टनेट करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी नेटवर्क चाहिए वो नेटवर्क सर्च करो, आपको नीचे में दिख जाएगा, बस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है वो नेटवर्क, जो भी नेटवर्क आप करना चाहो। ओके अभी देखो कैप्चा सॉल्व हो गया। कैप्चा सॉल्व होने के बाद मुझे लीनियर नेटवर्क पर जो जो भी टोकन चाहिए, जो जो भी टोकन, वो सारा का सारा टोकन मैं यहाँ पर नीचे ले सकता हूँ। लाइक देखो लीनिया के ऊपर मुझे देखो USDC क्लेम करना है, तो क्लेम 10 USDC वाले से मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा ना, मेरे मेटामास्क के ऊपर कन्वर्ट करेगा। ओके थोड़ा सर्वर की वजह से ट्रांजेक्शन क्यू में चला गया, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके ये चला गया अभी देखो USDC, उसका तो मुझे चाहिए BNB, तो पहले भाई R2 एडवांस वाले से मैं क्लिक करता हूँ। R2 एडवांस वाले से मैं क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली देखो R टोकन वाले से मैं क्लिक कर लूँगा और BNB टोकन मेरा देखो यहाँ पर देखो ऐड हो जाए। उसके बाद भाई गो टू फोसेट वाले से मैं जाओ, गो टू फोसेट वाले से मैं जाने के बाद BSC टेस्टनेट का है, BSC ब्लॉकचेन का यहाँ पर देखो यहाँ पर BNB टोकन, यहाँ पर देखो BNB टेस्टनेट का टोकन क्लेम। ओके ऐसा आ गया, फिर तो भाई मैं मेटामास्क में चला जाता हूँ। मेटामास्क में जाकर मेरा अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस को कर लेता हूँ कॉपी, ये वाला नहीं, अभी हमें करना है BNB टेस्टनेट। ओके BSC टेस्टनेट, ओके BSC टेस्टनेट कर लिए। BSC टेस्टनेट करने के बाद मेटामास्क में तो आपको पता है सारा का सारा एड्रेस सेम ही रहता है, और यहाँ पर जाकर फर्स्ट देखो मैं एड्रेस को पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद गिव मी BNB में क्लिक करके 0.1 BNB में क्लिक करके BNB मैंने ले लिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर जाता हूँ, अभी उसके बाद और कुछ टेस्टनेट का टोकन मुझे चाहिए। पोस्ट में जो जो भी मैं टोकन लिखा हूँ BSC टेस्टनेट के ऊपर क्या चाहिए, देखो BUSD चाहिए, BUSD क्लेम कर लेना। BSC टेस्टनेट के ऊपर BNB चाहिए, BNB अभी मैंने क्लेम करके दिखाया। उसके बाद देखो उसके बाद मैटिक नेटवर्क के ऊपर हमें क्या चाहिए ना, कुछ मैटिक चाहिए वो क्लेम कर लेना। ओके गॉरिल्ला नेटवर्क के ऊपर USDC चाहिए, GETH चाहिए, HOP चाहिए, DAI चाहिए, ये सब चाहिए, ये क्लेम कर लेना। ओके चलो और मैं करके दिखाता हूँ पॉलीगन के ऊपर, पॉलीगन का जो टेस्टनेट का मैटिक टोकन, ये नहीं पॉलीगन का टेस्टनेट। ओके पॉलीगन का टेस्टनेट, पॉलीगन का मेननेट नहीं, यहाँ पर मेननेट का कुछ काम नहीं। ओके तो पॉलीगन टेस्ट मेन, जो पॉलीगन टेस्टनेट मेरा ऐड नहीं है तो मैं chainlist.org में चला आया और यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस मैं यहाँ पर जाऊँगा और सर्च करूँगा पॉलीगन, देखो मैं रेफरेंस सर्च कर लिया। इसको मैंने इंक्लूड टेस्टनेट नहीं किया था तो टेस्टनेट नहीं आ रहा, तो इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अभी। ओके बस यहाँ पर देखो मुंबई सर्च करना, पॉलीगन टेस्टनेट का नाम है मुंबई। ओके मुंबई सर्च करना, आपको देखो R2 मेटामास्क दिख जाएगा। R2 मेटामास्क वाला ऑप्शन में क्लिक करना, ऑटोमेटिकली वो मेटामास्क में रीडायरेक्ट करेगा और आपको देखो नेटवर्क यहाँ पर ऐड हो गया। ओके तो उसके बाद क्या करना ना, मेटामास्क में चला जाना। मेटामास्क में जाने के बाद आपको भाई क्या चाहिए ना, चाहिए कुछ मुंबई का कुछ आपको मैटिक चाहिए, तो एड्रेस को पहले कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद लीनिया वाले ऑप्शन में चला जाता, उसके बाद कैप्चा सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैटिक मुंबई दिख रहा है, तो गो टू फोसेट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और मैटिक का यहाँ पर देखो क्या करता हूँ ना भाई, ले लेता हूँ मैटिक का फोसेट। एड्रेस तो ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा, बस यहाँ पर आए मैटिक चूज किए, और मैटिक के ऊपर कोई अलग टोकन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ पर सीधा सीधा, और एड्रेस को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद बस यहाँ पर सबमिट, ओके सबमिट कर लिया, कन्फर्म कर लिया। देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, यहाँ से मैटिक का टेस्टनेट का टोकन यहाँ पर चाहिए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद और क्या चाहिए, और क्या लिखा था, और यहाँ पर लिखा था कि भाई आभास के ऊपर आपको चाहिए ये टोकन और ये टोकन, ये दोनों टोकन। फिर से चले जाओ यहाँ पर लीनिया वाले ऑप्शन में, लीनिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस बार हमें करना है आभास। चलो यहाँ पर मेटामास्क में जाकर मैं आभास टेस्टनेट वेल भाई एनेबल देख सकते हो। मेरे पास यहाँ पर देखो आभास टेस्टनेट कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करूँगा, अभी आपको मैंने बताया था कि भाई chainlist.org जाओ, chainlist.org सर्च करना, यहाँ पर आना, कनेक्ट करना, आवालंस सर्च करना। आवालंस सर्च करो, नीचे देखो दिख रहा है आवालंस फूजी टेस्टनेट, तो यहाँ पर R2 एडवांस वाले से मैं क्लिक करता हूँ। फिर से जाएगा एडवांस में कन्फर्मेशन, जाकर बस देखो नेक्स्ट कनेक्ट करके यहाँ पर देखो यहाँ पर अप्रूव करके सूजी नेटवर्क कर ले। देखो यहाँ पर देखो अभी मेरा आवालंस का देखो यहाँ पर टेस्टनेट नेटवर्क ऐड हो गया। उसके बाद मुझे टेस्टनेट का टोकन चाहिए, तो भाई एड्रेस को पहले मैं कॉपी कर लेने वाले वेबसाइट में जाता हूँ। फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, इस बार किसके साथ, इस बार मैंने कर लिया भाई आवालंस के साथ कनेक्ट। आवालंस के साथ कनेक्ट करने बाद यहाँ पर देखो ऑलरेडी मेरा दिख रहा है कुछ मेरे पास आभास पड़े, बट उसका कोई काम नहीं। हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए TUSD चाहिए और यूरो फूजी चाहिए, दोनों का दोनों हमें लेना पड़ेगा। पहले तो भाई TUSD लेना पड़ेगा, पब्लिक मेंटेबल TUSD स्टेबल को। ओके आपके पास आभास होना चाहिए, आभास नहीं तो आभास के फोसेट से आभास ले लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी आभास पड़े कुछ आभास में डालता हूँ। लाइक देखो 0.01 आभास में डाल लिए, वो सारा का सारा आभास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें ना, TUSD में। मतलब सीधी बात है, इसमें अगर आप TUSD चाहते हो तो आपको लिखा गया कि कुछ आभास को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो लॉक करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ आभास डाल दिए, उसके बाद मैं क्लेम वाले से मैं क्लिक कर लेता और मेटामास्क में चला जाएगा कन्फर्मेशन, जाकर बस मुझे इसको तो कन्फर्म कर लेना। लेकिन मैं कन्फर्म कर लिया, और याद रखना जो भी जितने सारा काम हो रहा है सारा कुछ आपका तो टेस्टनेट में हो रहा है, मेननेट में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद TUSD यहाँ पर ऑन ऑफ कर देना। उसके बाद आपको चाहिए क्या ना, यूरी फूजी ये टोकन चाहिए, तो फिर चलता हूँ गो टू फोसेट वाले। ओके अगर आपको जो मैंने बताया था अभी बताया था कि भाई हमें अगर आभास चाहिए तो आभास आप यहाँ से ले सकते हो। ओके तो पहले तो भाई यहाँ पर नेटवर्क को चेंज कर देना, कौन सा करना ना फूजी सीजन इसको रहने देना, और यहाँ पर जो भी टोकन चाहिए आपको पहले तो
आभास टेस्टनेट चाहिए तो पहले तो भाई आभास टेस्टनेट यहाँ पर ले लेना, पेस्ट कर लेना और रिक्वेस्ट टू आभास कर लेना। ओके, अगर ऐसे नहीं जाता है तो पहले तो भाई मेटावर्स के साथ कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट वाले उसमें कनेक्ट करके रिक्वेस्ट कर लेना। ओके, आभास चला गया। उसके बाद हमें यहाँ पर आए थे क्या ना, जो यू और ई यू आर ओ ई ये वाला टोकन के लिए हमने आए थे, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद एड्रेस को यहाँ पर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ये टोकन चला जाए। पोस्ट रीड करना, मैं जो फोसेट का लिंक दिया हूँ लिनिया वाले फोसेट में जाना और जो जो भी टोकन चाहिए वो टोकन भाई लिनिया से आप ले लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद टास्क आपको लिखा हुआ है, गो हियर, यहाँ पर जाओ, कुछ बी यू एस डी यहाँ पर तो कुछ सेलर में ब्रिज करो। मैं दिखा, कुछ जल्दबाजी मत करना, टास्क देख देख करना। टास्क यहाँ पर क्या टास्क था कि ब्रिज एनी अमाउंट ऑफ बी यू एस डी ऑन सेलर और कुछ बी एन वी यहाँ पर करना पड़ेगा पहले टास्क में। तो पहला लिंक मैंने कॉपी करके यहाँ पर डाल दिए। पहले तो मैं कनेक्ट वॉलेट करता हूँ, तो कनेक्ट वॉलेट में डाला, हमें मेटामास्क के साथ कनेक्ट करना, तो मेटामास्क डाल, नेक्स्ट करा, कनेक्ट करा। इसमें क्या था ना भाई, बी एस सी टेस्टनेट से लिनिया करना है, सही है। और क्या टोकन करना, सीधा लिखा गया बी यू एस डी और बी एन बी। आपने बी यू एस डी बी एन बी ऑलरेडी फोसेट से ले लिया हुआ, मैंने बताया था आपको कैसे क्या करना है। और पहले मैं बी एन बी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो बी एन बी सिलेक्ट कर लिए, अगर आपको बी यू एस डी करना है तो बी एन बी का जगह में क्लिक करो, आपको देखो बाइनेंस यू एस डी सिलेक्ट करना है। ओके, जो भी टोकन चाहिए वो टोकन आप सिलेक्ट कर लेना। उससे पहले यहाँ पर ये दिख रहा है कि यू मस्ट स्विच टू बी एस सी टेस्टनेट टू बिगिन द ट्रांसफर। ओके, तो भाई मेटामास्क में जाकर पहले तो भाई आपको बी एस सी टेस्टनेट नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। बाकी मैंने मेरा आभास ऑन था तो उसको मैं चेंज करके अभी देखो बी एस सी चला जाता हूँ। बी एस सी कर था यहाँ पर, बी एस सी टेस्टेंट मेरा अभी यहीं पर का था। हाँ देखो, बी एस सी टेस्टेंट मैंने कर लिए, बी एस सी टेस्टेंट कर लिए। अभी जाता हूँ यहाँ पर जहाँ पर मैं टास्क कर रहा था, यहाँ पर टास्क कर रहा था, इसको ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ पर पहले मैं आपको बी एन बी करके दिखाता हूँ, बी एन बी या बी यू एस डी जो आपको करना है, दोनों का दोनों तो करना है बट एक एक करके करना है। पहले मैं बी एन बी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर देखो 0.001 कुछ यहाँ पर डालता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर लिनिया में ऑटोमेटिकली कुछ आ जाएगा। आने के बाद देखो यहाँ पर ट्रांसफर वाले से मैं क्लिक कर, ओके ऐसे कुछ आ गया। अभी देखो यहाँ पर ट्रांसफर वाले से मैं क्लिक करूँगा। ट्रांसफर वाले से मैं क्लिक करने बाद यहाँ पर फ्लिज डबल चेक बोल रहा है, भाई डबल चेक मेरा हो चुका है। अभी मैं कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक, मैडम बस मैं आकर आ चुका है कन्फर्मेशन, बस मैंने कन्फर्म। उसके बाद वो ब्रिज हो गया भाई, चला जाएगा लिनिया नेटवर्क में। ओके, मैंने मेरा टोकन था किस में, मेरा टोकन था भाई बी एस सी टेस्टेंट में, वो चला जाएगा भाई लिनिया में। लिनिया मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा था, जो नेटवर्क ऐड नहीं है मैंने आपको बोला कि chainlist.org से सारा का सारा ऐड कर लेना। उसके बाद वो क्या होगा ना भाई, बी एस सी टेस्टेंट से लिनिया नेटवर्क में चला जाएगा। पहला वाला टास्क खत्म, पहले मैंने आपको उसको बी एन बी स्वाप कर लिए, ब्रिज कर लिए। उसका तो वो बोला कि बी यू एस डी ब्रिज करो, बी यू एस डी कर लेना, ये वाला टास्क खत्म हो जाएगा। देन ये वाला सेकंड लिंक ओपन करना, सेकंड लिंक कनेक्ट करना किसके साथ ना, मैटिक नेटवर्क के साथ। चलो मैटिक नेटवर्क साथ कनेक्ट करना, उसका तो कुछ मैटिक ब्रिज करना। उसका थर्ड वाला लिंक गोरली नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना और जो जो भी टोकन चाहिए वो तो आपने ऑलरेडी लिनियर से ले लिया होगा, मैंने बताया था। और वहाँ पर जाकर यहाँ पर ब्रिज करना, यहाँ पर ब्रिज करना। ओके, सारा का सारा टास्क ईजी है, पूरा पोस्ट में मैंने लिख के रखा हूँ। ओके, सारा सारा करना, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में मुझे पूछ लेना। उसके बाद सारे टास्क करने के बाद आपको क्लेम वेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना और इसको भाई क्रोम में ओपन करना। और यहाँ पर देखो कनेक्ट वॉलेट कर लेना, इवेंट देखो चलेगा 9 तारीख तक, 9 तारीख से पहले सारा कुछ काम कर लेना। देन यहाँ पर देखो सेलर वी यू एस डी ब्रिजर ट्राई कर लिए, इसको कन्फर्म कर लेना, ये ट्राई कर लेना। ओके, जिस भी वॉलेट में आपने टास्क किए हो उसी वॉलेट के साथ ये कनेक्ट करना, तभी वो ट्रैक कर पाएंगे कि आपने टास्क किए हो या नहीं। ओके, उसके बाद ये देखो सारा का सारा क्लेम कर लेना, कुछ कुछ पॉइंट्स हमको मिलेंगे। ओके, जितने भी सारा का सारा आपने टास्क कर लिए, सारा का सारा करने बाद जितने भी यहाँ पर दिख रहे सारा का सारा क्लेम करना। ओके, क्लेम करना तो बस लास्ट को आपको एक काम करना है कि भाई लिनिया बिल ट्वीट रिट्वीट, यहाँ पर जाकर पोस्ट करके रिट्वीट करना। रिट्वीट करने बाद यहाँ पर भी कुछ क्लेम करना, 3 पॉइंट्स। ओके, इस हिसाब से देखो यहाँ पर सारा का सारा टास्क करना। अभी कितने पार्टिसिपेंट है, अभी नियरली देख सकते हो कुछ 32,000 यहाँ पर पार्टिसिपेंट है। आप भी पार्टिसिपेट कर लेना, मिस मत कर देना। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट एकदम तगड़ा यहाँ पर होने वाला। ओके, आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो तो भाई मुझे कमेंट में बताओ, इस वीडियो का कमेंट में, तो मुझे डीएम में आकर मैसेज करो, जरूर से जरूर आपको हम रिप्लाई देते हैं। अब मैं आपको 2 नंबर का 3 इवेंट बताने वाला हूँ। पहला तो इवेंट है वोल्ट की तरफ से। ओके, यहाँ पर देखो क्या सीधा सीधे लिखे, टॉप 1000 रैंक विल रिसीव ए पोर्शन ऑफ द 21 बिलियन वोल्ट एयरड्रॉप। ओके, बाकी देखो टॉप 1000 हम इजीली आ सकते हैं, इजीली आप लीडर बोर्ड में जाकर चेक कर सकते हो कि टॉप 1000 वाला बंदा कितने एक्सपी अर्न करके रखा है। आप इजीली बोल रहे हो, आप यहाँ पर जितना टास्क कर सकते हो उतना टास्क करना और अप्रोक्सीमेटली टॉप 1000 में आने के लिए मुझे लग रहा है कि भाई 10000 एक्सपी हो जाएगा तो इजीली आप आ सकते हो। 10000 मतलब इजी वो में कर सकते हो, बस ट्विटर फॉलो कर लिए तो 100 एक्सपी हो गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए और 100 एक्सपी, डेली बस क्लेम करो उसके लिए 100 एक्सपी। ओके, इस हिसाब से यहाँ पर एक्सपी देखो हमें मिल जाएगा। ट्विटर को यहाँ पर फॉलो करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, टेलीग्राम अनाउंसमेंट ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, ट्विटर को फॉलो करो, ट्विटर टास्क करो, यहाँ पर ट्विटर टास्क करो, ट्विटर टास्क करके भी 50-50 एक्सपी लूट सकते हो। बस लाइक रिट्वीट कमेंट और कुछ नहीं। इस हिसाब से भाई जितने टास्क हैं सारे के सारे आप टास्क कंप्लीट कर लेना और यहाँ पर लीडर बोर्ड में जाकर चेक कर लेना कि भाई टॉप 1000 वाला जो बंदा है उसने कितने एक्सपी अर्न करके रखा है। आपको बस उससे ऊपर अर्न करना है। बाकी इवेंट को कब ओवर होगा
वैसे तो कुछ लिखे नहीं है, बट आप देखो टफ 1000 में आने की पूरी कोशिश करना। और यहाँ पर टोकन देखो ऑलरेडी लिस्टेड भी है, ये एक देखो मीम, यहाँ पर मीम टोकन है, बोलेंगे 21 बिलियन यहाँ पर टोकन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना भाई, वो एड्रफ कर रहे हैं, तो 21 बिलियन का प्राइस अभी अप्रोक्सीमेटली चल रहा है देखो $12,000 का। ओके तो $12,000 अगर देखो कितने लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना भाई, $12,000 अगर देखो यहाँ पर 1000 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फॉर यूजर को नियरली देखो $12 का प्रॉफिट होता है। $12 मतलब देखो नियरली इंडियन रुपये के हिसाब से 1000 रुपये पर यूजर को प्रॉफिट होता है। बाकी मीम टोकन है अगर ये पंप हो गया बस देखो 10x भी हो गया तो भाई खतरनाक यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो भाई 12 का भाई 10 गुना करके $120 का प्रॉफिट हो जाएगा। मीम टोकन है कुछ भी कभी भी हो सकता है। ओके लास्ट टास्क की प्रोफाइल वैल्यूज में क्लिक करना, अकाउंट सेटिंग में जाना, अकाउंट सेटिंग में जाकर यहाँ पर देखो आपको जेड के सिंह का एड्रेस डालना है। जेड के सिंह का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, सीधा सीधा अपने मेटामास्क का जो एड्रेस है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर देना, मतलब डाल देना आपका ये जेड के सिंह का एड्रेस आपको। दूसरा क्रू 3 एड्रेस आ रहा है, देखो यहाँ पर रिलेटिव की तरफ से सीधा लिखा गया है। देखो यहाँ पर लिखा गया पॉलीगोन एंड आर्बिट्रम मिनट में आने वाले, RLTV गोइंग लाइव सून, बहुत जल्दी लिस्टिंग होने वाला है। देखो 10xp अगर आप ऑन करोगे वो देखो एक एक्स रिलेटिव हो जाएगा, वो एक्स जो एक्स रिलेटिव है वो इनका देखो आपको जो एक्स रिलेटिव है वो उनके नेटिव टोकन में कन्वर्ट होगा। मतलब जितने ज़्यादा एक्सपी ऑन करोगे वहाँ से आपको एक्स रिलेटिव मिलेगा, उस एक्स रिलेटिव क्या होगा जब मेननेट लॉन्च होगा वो सारा का सारा रिलेटिव टोकन में कन्वर्ट होगा। ओके एक्सपी से एक्स रिलेटिव टू रिलेटिव टोकन। ओके मतलब सीधी सीधी बात, तो अभी मेन फोकस हमारा ये है कि भाई हमें एक्सपी ऑन करना है। एक्सपी कैसे ऑन करके पता होगा भाई, ट्विटर यहाँ पर फॉलो करो, यहाँ पर आपको 10xp मिल गया। यहाँ पर 10 फ्रेंड को अगर इन्वाइट कर सकते हो तो 500xp, नहीं कर सकते तो स्किप करो कोई बात नहीं, उसके नीचे जाओ डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो उसके लिए 10xp, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो 110xp, इन्वाइट कर सकते हो नहीं कर सकते तो स्किप करो कोई जरूरत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखो ट्विटर में कुछ शेयर करो उसके लिए 50xp, यहाँ पर ट्विटर में और कुछ शेयर करो और 40xp, रीट्वीट करो 25xp, ट्वीट लाइक करो यहाँ पर देखो उसके लिए कुछ एक्सपी। इस हिसाब से नीचे नीचे जाओगे तो भाई सोशल टास्क भरफड़ा है, यहाँ तक आपको सारा का टास्क करना है। बाकी प्रोजेक्ट की बात बोलूँ तो प्रोजेक्ट भी दिखा देते, प्रोजेक्ट को यहाँ पर ऑलरेडी देखो फॉलो करके रखा है सीईओ ने। किसका सीईओ भाई, देखो fronti.xyz आपको पता होगा, आपको दिखाता हूँ Frontier आपको पता होगा, इस एप्लीकेशन से हमें जो टोकन मिल रहा था आपको पता होगा कुछ टोकन डायरेक्टली। देखो Frontier वॉलेट का जो भाई सीईओ है, सीईओ ने डायरेक्टली फॉलो कर रखा है इस वाले प्रोजेक्ट को, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया और रिलेटिव वाले यहाँ पर प्रोजेक्ट को, मतलब प्रोजेक्ट एकदम पोटेंशियल है, एकदम सही है और एकदम प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। और अभी ये देखो आर्बिट्रम के ऊपर आ रहे हैं और बहुत जल्द ये देखो यहाँ पर पॉलीगन के ऊपर भी आने, सही से बता रहा हूँ, कोई भी मिस मत करना। जो मैं तीनों का तीनों Q3 प्रोजेक्ट दे रहा हूँ मिस मत करना, 101% आपको प्रॉफिट देने वाला। और प्रोफाइल में जाकर अकाउंट सेटिंग में जाकर अपने आर्बिट्रम एड्रेस मतलब मेटामास्क का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर देखो पुट कर ले। थर्ड Q3 एड्रेस है देखो यहाँ पर हेलियोस जेली की तरफ से, देखो हेली इनका हेलियोस का देखो नेटिव टोकन है हेली, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये भी देखो उसी तरह लॉन्च होने वाला है, बस इस पर अभी हमें एक्सपी ऑन करना है। वो एक्सपी से क्या होना, डायरेक्टली हमें देखो लिखा भी गया है देखो जेली एक्सपी इज इक्वल टू हेली, मतलब जितने ज़्यादा एक्सपी ऑन करोगे उस बेसिस में आपको हेली टोकन मिलने वाला है। एक्सपी कैसे ऑन करना है आपको पता ही, जीओ में फिर भाई बोनस में जाओ, बोनस में जाकर यहाँ पर क्लेम रिवार्ड कर लो, फर्स्ट टास्क के यहाँ पर हो गया। उसके बाद नीचे जाओ, नीचे में जाने के बाद आपको उसके बाद टास्क लाइक करो, रिट्वीट करो, क्लेम रिवार्ड कर लो, ये वाला टास्क आपको हो गया, 100xp मिल गया। उसके बाद और नीचे जाओ और भी टास्क आपको मिल जाएगा, लाइक क्या टास्क है यहाँ पर देखो आपको शेयर करना है कोल्स लिस्ट यहाँ पर कर लो। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे नीचे इन्वाइट कंटेस्ट है उसको स्किप करो, इन्वाइट कंटेस्ट आप नहीं कर सकते स्किप करो। उसके नीचे जाओ मीम मैम बना सकते हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग अच्छे खासे मीम्स बनाते हैं हमारे चैनल में, मैंने देखा हुआ है, तो मीम बनाकर अर्न कर सकते हो। नहीं तो देखो सीधी बात है, ट्विटर फॉलो करो एक्सपी, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो एक्सपी, टेलीग्राम ज्वाइन करो एक्सपी, और देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कुछ रिलीज हुआ है उसको रीड करो उसके लिए कुछ एक्सपी मिल जाएंगे आपको। यहाँ तो प्रोग्राम टाइमलाइन चेक करो उसके लिए कुछ एक्सपी मिल जाएंगे, डेली लॉगिन करो उसके लिए एक्सपी, वीकली लॉगिन करो एक्सपी, विजिट करो बस देखो यहाँ पर उसके लिए बस एक्सपी। इस हिसाब से भाई एक्सपी पड़े हुए हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सपी ऑन करोगे आपको उस बेसिस में उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलने वाले हेलियस में। बाकी प्रोजेक्ट की बात हो और रिवार्ड पूल भी देख सकते हो, टोटल रिवार्ड पूल नियरली देखो $1.5 लाख का। और इवेंट कब तक चलेगा, इवेंट देखो बस देखो 6 तारीख तक चलने वाला है, सीधा लिखा गया ड्यूरेशन देखो 6 तारीख, 6 तारीख मतलब अभी कितने दिन बचे भाई, 2 दिन शायद, ओके नहीं नहीं तो कल तक बचा, कल से पहले भाई सारा टास्क हम काम खत्म करके अभी देखो बंद कर लो इसको, कल से पहले सारा टास्क खत्म। बाकी प्रोफाइल सेटिंग में जाकर अपना आर्बिट्रम एड्रेस डालने को भूलना मत, जो कि मैडम से डाल। अभी 3 नंबर में आपको 2 न्यू प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, बस मिस मत कर देना जो भी प्रोजेक्ट दूँ। पहले तो एक ये देखो पिंजम लैब्स, जो कि देखो काभा के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर ये भी एक एकदम खतरनाक वाला प्रोजेक्ट चल रहा है देख सकते हो। मैं देखो उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया कि यहाँ पर काभा के ऊपर इनका टेस्टनेट भी एक चल रहा है। पहला काम क्या है ना, मेडमास से जाकर एड्रेस को कॉपी कर लो, एड्रेस कॉपी करना तो मैं आपको काभा टेस्टनेट का फोस्टर का लिंक दे दूंगा, इसको ओपन करना, ओपन करने बाद आपने जो एड्रेस कॉपी किया था उसको पेस्ट करो और कैप्चा को सॉल्व कर लेना। देन यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट टोकन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, प्रोसेसिंग होकर देखो कुछ काभा का टोकन चला। उसका
तो मैं आपको टेस्टनेट का लिंक दे दूंगा। पहले तो भाई थ्री लाइन में क्लिक करना और कनेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना, देन आपको मेटामास्क को चूज करना। जैसे मेटामास्क को आप चूज करोगे सिलेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन में, नहीं तो क्लिक कर लो, रुको रुको मैं आपको दिखा। जैसे मेटामास्क में जाएगा ऑटोमेटिकली और नेक्स्ट यहाँ पर कनेक्ट हो, नेक्स्ट कनेक्ट करने पर फिर से क्लिक करना और अभी अप्रूव करके स्विच नेटवर्क कर लेना, क्योंकि नेटवर्क हमारा काबा नेटवर्क ऐड नहीं था। अभी देखो हमारा काबा नेटवर्क ऐड हो चुका होगा और देखो 100 काबा हमें मिल भी चुका है। टेस्टनेट का मिनट का समझ लेना कुछ कोई हुए हुए। अभी टास्क क्या है ओके, तो मैं आपको डायरेक्टली टेस्टनेट का लिंक दे दूंगा और फोसेट का लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि फोसेट का लिंक यहीं पर मिलना है, सीधा सीधा फोसेट का लिंक यहीं से ले लेना ओके। अभी ऊपर से टास्क करना है, पहले तो भाई मार्केट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। मार्केट में क्या टास्क है पहले मैं देख लेता हूँ। मार्केट में कुछ टास्क नहीं है, बस आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड में क्लिक करना है। जैसे आप डैशबोर्ड में क्लिक करोगे आपको एक पेज ऐसे कुछ ओपन होगा ओके। कुछ टाइम वेट करना, यहाँ पर बहुत सारे टोकन सबको शो ओके, जैसे बहुत सारे टोकन शो हो जाएंगे। बस ये कट हो जा रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सर्वर का कुछ इशू है। जैसे शो हो जाएंगे यहाँ पर साइड में देखो एक काबा का साइड में एक सप्लाई दिखा होगा ओके। यहाँ पर शो क्यों नहीं रहा, मैंने बोल दिया कि भाई सर्वर का इशू है, सीधी सीधी बात है। साइड में एक सप्लाई वाला ऑप्शन होगा, सप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक करना, कुछ काबा को यहाँ पर सप्लाई दे देना। उसका सप्लाई के बारे में यहाँ पर नीचे इस वाले सेक्शन में आपको दिखाएगा बोरो, बोरो वाले ऑप्शन में क्लिक करके कुछ काबा को यहाँ पर बोरो कर देना। उसका तो नीचे में यहाँ पर दिखाएगा क्लेम रिवार्ड, यहाँ पर आकर क्लेम कर लेना। सप्लाई, बोरो, क्लेम रिवार्ड, यहाँ पर सर्वर का इशू की वजह से तीनों जगह में कुछ भी नहीं दिख रहा है ओके। कीप ट्राइंग, आपका काम हो जाएगा। डैशबोर्ड वाला काम खत्म होने के बाद आपको देखो मैनेज पिंग कैब वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमने देखो हमने जो काबा टोकन लिया थे उसका कुछ परसेंटेज काबा हमें क्या करना है, स्टेक कर देना है और कुछ परसेंटेज यहाँ पर लॉक कर लेना है। बस यहाँ पर आना, आने के बाद जितने भी काबा पड़े हैं उसका देखो 10% या 5% आपको क्या करना है यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद बस आपको करना क्या है ना, अप्रूव वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, देन मेडमास में ऐसा कुछ आएगा बस कन्फर्म। और देखो ऊपर में देखो अप्रूव हो चुका है। अप्रूव होने के बाद देखो अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद यहाँ पर देखो सप्लाई दे देना। अप्रूव हो गए, अभी देखो स्टेक वाला ऑप्शन आ रहा है, स्टेक वाले ऑप्शन में क्लिक और वहाँ पर स्टेक कर देना। उसका दूसरी तरह नीचे में यहाँ पर भी कुछ डाल के यहाँ पर देखो लॉक कर देना, दो डाल दिया। दो डालने के बाद यहाँ पर देखो फिर तो भाई लॉक वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर कुछ लॉक कर लेना ओके। इतना करने के बाद स्टेक लॉक कर लोगे, उसके बाद नीचे आना, यहाँ पर आपको कुछ क्लेम करने के लिए दिखाएगा, क्लेम पिंग कैब आप कुछ घंटे के बाद आकर क्लेम करना, क्लेम ऑल में क्लिक कर लेना कुछ घंटे के बाद और यहाँ पर क्लिक करना, तीनों का तीनों क्लेम कर लेना कुछ घंटे के बाद। बट ये सर्वर जब सही होगा तभी कुछ लॉक और यहाँ पर स्टेक होगा ओके। बट मैंने टास्क बताया उसके बाद यहाँ पर तो वह डैशबोर्ड हो गया, मैनेज हो गया, मार्केट तो हो गया, सारा का सारा काम हो गया और कुछ टास्क नहीं है यहाँ। उसके बाद मैं आपको क्रियो 3 का लिंक भी दे दूंगा। पहले तो प्रोफाइल में जाकर अकाउंट सेटिंग में जाकर आपको एड्रेस डाल देना है, किसका ना मेडमास का एड्रेस डालना है, जो अभी अपने काबा एड्रेस ऐड किया था यहाँ पर ना भाई, अपना भी ऐड किया था ना जो मेडमास में, उसका एड्रेस डाल देना यहाँ पर। काबा एड्रेस डालने के बाद बस यहाँ पर सीधा सीधा सेव कर लेना, सेव कर लिए। उसके बाद अभी व्याक चलाओ, व्याक करने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर क्वेस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। क्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद जितने भी टास्क है सारा का सारा टास्क कर लेना, जो भी टास्क आप कर सको। पिंजम लैम्स की तरह डिटो उसी तरह और एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि सिमर की तरफ से, एकदम खतरनाक प्रोजेक्ट हो गया, एकदम खतरनाक प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी चेक कर लिया हूँ। यहाँ पर देखो इस वाले प्रोजेक्ट में देखो यहाँ पर कुछ दिन पहले हमारा अनाउंसमेंट, हाँ मेन तीन को इन्होंने अनाउंसमेंट किया। देखो यहाँ पर सीधा सीधा वो लिखा गया ना भाई, दो ट्रेजर ऑफ सिमर कैंपेन बाई टी इज लाइव और 1.8 मिलियन एसएमआर टोकन्स इन टू एग्जिस्टिंग वे ओके। दो वे में हम देखो क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर देखो टोटल जो पूल है 1.8 मिलियन एसएमआर टोकन का, वो देखो सारे लोगों ने स्प्लिट कर दीजिएगा जितने भी लोग टास्क करेंगे। दो टास्क है, एक तो भाई टेस्ट करके मतलब टेस्ट नेट पार्टिसिपेट करके बाउंटी प्रोग्राम का, नहीं तो अगर वो नहीं कर सकते भाई जेली टास्क करके। दो कैंपेन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो एसएमआर टोकन ऑन कर सकते हो। बाकी मैंने ऑलरेडी उनका ब्लॉग भी चेक कर, फिर से बता रहा हूँ भाई खतरनाक प्रोजेक्ट है, मैं दोनों वे बताता हूँ। फिर तो भाई टेस्ट नेट का वो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया कि भाई फिर तो भाई फोसेट का टोकन लेना है, तो चलो फोसेट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डायरेक्टली। देखो मैं डायरेक्टली आपको टेस्ट नेट का लिंक दूंगा सिमर का ओके, तो उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने से पहले आपको क्या है ना फोसेट लेना है। फोसेट का लिंक कहाँ पर मिलेगा, तो गेट टोकन फ्रॉम द फोसेट यहाँ पर लिखा है ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपको ऐसे कुछ दिखाएगा कि भाई कनेक्ट वॉलेट, तो कनेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। ऑटोमेटिकली वो देखो आपका ईवीएम एड्रेस मांगेगा, तो ईवीएम एड्रेस कैसे कहाँ से लेना है, मेटामास्क में चला जाना। मेटामास्क में जाने के बाद आपका जो ये जो एड्रेस है इस वाले एड्रेस को क्या करना, मेटामास्क का एड्रेस को कॉपी करना। कॉपी करने वाला जो फोसेट वाला सेक्शन है वहाँ पर जाकर बस आपको सीधा सीधा जाकर फेस्ट करना। जैसे फेस्ट करके उड़ पहले तो भाई कनेक्ट कर लेना होगी, बिना कनेक्ट करके कुछ मत करना। कनेक्ट करने बाद यहाँ पर तो आपको दिख रहा है यूज माई ओन एड्रेस, तो यहाँ पर क्लिक करना ऑटोमेटिकली चला जाएगा और सेंड फंड्स कर लेना होगी। बाकी ये वाला फोसेट ओके, देखो फंड सक्सेसफुली सेंड, इट विल टेक 10-30 सेकंड टू अराइव ओके, कोई बात नहीं। तो अभी हम चले जाते हैं भाई कहाँ पर, भाई जहाँ पर हमें टेस्ट करना मतलब टेस्ट करना है, तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया था। फिर से भाई आप यहाँ पर सर्च करो ओके। पहले बताता हूँ इवेंट चलेगा 12 दिन तक, 12 दिन से पहले सारा कुछ काम कर लेना ओके। तो यहाँ पर आपको देखो आप फिर तो भाई रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन में क्लिक करना। रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के यहाँ पर बहुत आपको देखो दिख जाएंगे प्रोजेक्ट का नेम। आपको सिमर सी वाले साइड में देखो आपको दिख जाएगा एक प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट एंड अर्न वाला ऑप्शन, तो वहाँ पर क्लिक करना। जैसे क्लिक
वहाँ पर ऐसे कुछ जाएगा, आपको कनेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो कनेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे मेटामास्क में रीडायरेक्ट करेगा और मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर। कनेक्ट करने के बाद पहले तो भाई ट्रेड नाउ दिख रहा है, तो ट्रेड नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करना और भाई डीटो पैन के स्वैप की तरह यहाँ पर देखो दिख रहा है इनका यूआई। तो बस आपको करना है कि हमें देखो यहाँ पर फोसेट से लिया था हमने कुछ जो एसएमआरसी टोकन लिया था उसको कुछ यहाँ पर क्या करना स्वैप कर लेंगे। ओके तो यहाँ पर एसएमआरसी को चेंज करके यहाँ पर एसएमआर ये वाला चूज करना। जैसे चूज करना देखो हमें ऑलरेडी देखो फोसेट का टोकन आ चुका है और हमें कुछ यहाँ पर देखो स्वैप मारना है। कुछ भी टोकन भाई आप स्वैप मार लेना, 1 2 3 4 जो भी है वो भाई इजीली स्वैप मार लेना भाई। ये भी नहीं बताने नहीं वाला कैसे आप स्वैप करने। चलो भाई ये भी बताता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत आएगी नहीं तो बाद में बोलेंगे। एनेबल एसएमआर वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे एनेबल वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे मेटामास्क में कन्फर्मेशन जाएगा, बस मेटामास्क में जाकर उसको बस अप्रूव कर देना। जैसे अप्रूव कर लेगा देन देखो आपको दिख जाएगा स्वैप, देन आपको देखो यहाँ पर स्वैप वाला ऑप्शन दिख जाएगा, वो यहाँ से स्वैप करना। जिसको पैनकेक स्वैप में स्वैप नहीं आता वो समझ ले वो इसी तरह स्वैप होता है पैनकेक स्वैप में। डिटो यूआई टोटली कॉपी करके रखें, बट वहाँ पर एक वाइट जैसा दिख रहा है, यहाँ पर एक ये वाला कलर जो है वो रख लिया। बट यहाँ पर देखो स्वैप एनयू में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर कन्फर्मेशन ज़्यादा कन्फर्म तो हो गया, बट यहाँ पर बीच बीच में दिखाया गया कि भाई यहाँ पर स्लिपेज थोड़ा बढ़ाने को। ओके आप देखो यहाँ पर मेरा तो कन्फर्म हो गया, बाकी आप स्लिपेज बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। अभी तक तो मेरा 0.5% स्लिपेज है, आप चाहो तो स्लिपेज कैसे बढ़ाओगे। तो अगर मैं ये भी बताऊँ तो पैनकेक स्वैप वगैरह में जब स्वैप कर रहे हो तो आपको स्लिपेज बढ़ाना कमाना कैसे कैसे है। देखो सेटिंग वाला दिख रहा है ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करो देखो आप स्लिपेज बढ़ा सकते हो यहाँ से। ओके यहाँ पर परसेंटेज अपने हिसाब से डाल के स्लिपेज डाल सकते हो। ओके बाकी मैंने स्वैप कर लिया, स्वैप करने में टास्क खत्म और लिक्विडिटी वगैरह तो यहाँ पर कुछ मुझे टास्क दिख नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हमने ये वाला तो टास्क कर लिए, उसका था सेकंड कैंपेन था ना जेली कैंपेन। जेली कैंपेन के ओपन कर, पहला काम क्या है आपको पता है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाना, अकाउंट सेट के जाना, पहले भाई एड्रेस डालना। एड्रेस कहाँ से डालोगे, अपने मेटामास्क से। ओके सिमर एड्रेस कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया था अभी अपने मेटामास्क में ऐड किया है मेटामास्क का एड्रेस, यहाँ पर सिमर एड्रेस के जगह में डालना है, ये तो अभी बताऊंगा नहीं। ओके तो ये हो गया, अभी मैं चलता हूँ मैं क्वेस्ट करने के लिए। क्वेस्ट कैसे करूँगा, यहाँ पर थ्री में क्लिक करूँगा, क्वेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर तो पहले भाई सारा का सारा टास्क कंप्लीट करना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, सबमिट एसएमआर वॉलेट एड्रेस कहाँ से, मेटामास्क से मैंने आपको अभी ऐड किया था। यहाँ पर ट्विटर फॉलो करो, ये वाला क्यूत्री करो भाई, नीचे नीचे जाओ टेलीग्राम यूट्यूब वगैरह जो भी टास्क हो सारा का सारा टास्क कंप्लीट करो। जितना ज़्यादा टास्क कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा आपको एड्रेस मिलेगा और एड्रेस कन्फर्म्ड है, कन्फर्म्ड है 101% कन्फर्म। अभी लास्ट लूट बताने वाला हूँ भाई वर्ड स्वे का कैंपेन। भाई पहले बता रहा हूँ आपने ये टास्क ऑलरेडी कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो। आप बोलोगे भाई कौन सा नशा करके आया है ये भाई हमें बोल रहा है, हाँ भाई ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, देन आपको पता चले कि कैसे आप ऑलरेडी कर। आपको कल बाइबर्ड में मिला था ना टोकन, आपने वो टोकन बाइबर्ड में स्वैप किया था, तो भाई आप एलिजिबल हो गए, सीधा सीधा एलिजिबल हो गए हो आप बाइबर्ड में। देखो क्या इवेंट था, देखो हम पर ट्रेड सुई एंड अर्न फ्रॉम द 50,000 यूएसडी प्राइस पूल, फास्ट 7,000 एग्जिस्टिंग यूजर। एग्जिस्टिंग मतलब पुराने वाले, पुराने जो अभी न्यू अकाउंट नहीं बने, पुराने वाले, पुराने सबको ये। क्यों, क्योंकि देखो इवेंट देखो स्टार्ट कब हुआ था, इवेंट वाइज स्टार्ट हुआ था देखो मई 3 से पहले सबने बाइबिट का अकाउंट बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि हमें डालना था फर्म में, आपको पता होगा फर्म में डालना था। तो सब लोगों ने जिन्होंने भी भाई सुई भाई बाइबिट में स्वैप किए हो, फास्ट 7,000 में आ गए हो, तो भाई आपको देखो 5 USDT आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, स्पॉट में डायरेक्टली मिल रहा है 5 USDT आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी इवेंट समझ लो कि ओवर हो चुका है और ऑलरेडी हमारे सारे के सारे पार्टिसिपेंट कर लिए। बस मैं आपको एक अपडेट देना था कि भाई आपको एक्स्ट्रा 5 USDT मिलने वाला है। कब मिलेगा आपको इवेंट, इवेंट ओवर है मई 17 को, तो आपको जून 17 तारीख को आपको पेमेंट मिल जाएगा। बाकी इवेंट ओवर तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि फास्ट कम फास्ट सर्व 7,000 लोगों के लिए था जो भाई ऑलरेडी भाई खत्म। और वहाँ से यहाँ से 50-60% लोग तो हमारे ही होंगे होंगे, क्योंकि भाई हमने सब लोगों ने बाइबिट में स्वैप भी किया था। ओके तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गया $5 एक्स्ट्रा। ओके तो चलो आपके लिए $5 क्या है भाई, $2,000 कल इनकम की हो, $5 आपके लिए मुझे पता है चिंदी बराबर है, बट फिर भी पैसा को पैसा ही समझो। बाकी और भी 2 लूट्स बच गया, बस उसको मैं बताने नहीं वाला क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। वो 2 वीडियो मैं आपको सेकंड चैनल में डालने वाला हूँ, LG सफे यूट्यूब चैनल में, बट उसके लिए मुझे भाई बहुत दिन के बाद मैं आपको लाइक डिमांड कर रहा हूँ, 104 लाइक। अगर नहीं हुआ तो वो वीडियो मैं नहीं दूंगा, वो वीडियो मैं आपको प्राइवेट यूजर्स को मैं कुछ दे दूंगा अगर इस वाले वीडियो में 104 लाइक नहीं हुआ। तो सीधी बात है, मुझे इस वाले वीडियो में 104 लाइक भाई चाहिए ही चाहिए। ओके सीधी बात है, बाकी कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बतलाना, और भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे DM में कर मैसेज कर देना। बाकी टेलीग्राम चैनल तो जोरों से जोर ज्वाइन करना, क्योंकि सारा का सारा लिंक्स और जो भी कुछ न्यू लूट्स आते हैं, जो भी कुछ न्यू अपडेट आता है, सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता रहता है। तो टेलीग्राम चैनल जोरों से जोर ज्वाइन करना। बाकी मिलते हैं कुछ न्यू लूट्स, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।